नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। ए टू जेड न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीफ पर मचे बवाल की, जो दिन ब दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोई ना कोई नेता अपने एंगल निकाल कर कभी गोहत्या और कभी बीफ के बारे में ही बातें कर रहा है, कभी भड़काऊ भाषण तो कभी अपने बयानों से ही नेता यू टर्न ले रहे हैं। अब तो सवाल उठने लगा है कि आखिर बिहार चुनावों के साये में ऐसी बातें क्यों। बीफ पर बवाल ही करेंगे आज चर्चा, और चर्चा में हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में शामिल हैं बीजेपी नेता जयप्रकाश जी। और चलिए शुरू करते हैं बीफ पर बवाल। इस वक्त देश में बीफ को लेकर एक अजीब तरह का माहौल बना हुआ है। राजनेता गाय को लेकर कोई ना कोई भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे बयानों से लग रहा है कि बिहार चुनावों के मद्देनजर विशेष वोट बैंक को लुभाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए किसने क्या कहा। गृह मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में गौमांस का जिक्र नहीं है। दादरी कांड पर यूपी सरकार की रिपोर्ट है। गृह मंत्रालय को सौंपी गई है ये रिपोर्ट। और खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में गौ मांस का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे गृह मंत्रालय को सौंपा है, और उसके बाद गृह मंत्रालय ने खुद संज्ञान लेते हुए सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं, एडवाइजरी जारी की है कि वो अपने अपने यहाँ स्थानीय प्रशासन को सतर्क करें और ऐसी घटना ना होने दी जाए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन को ये हिदायत दी गई है गृह मंत्रालय की ओर से। सभी राज्यों को कहा गया है कि किसी भी मामले में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाए, जिससे कि दादरी जैसी कोई भी घटना सामने आए। दादरी कांड पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है, और इस रिपोर्ट में फिलहाल गौ मांस का कोई जिक्र नहीं किया गया है। और आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। बीफ पर बवाल। जी हां, देश में जहां देखो वहां बस बीफ पर बहस हो रही है। कभी अफवाहों के साए में एक इंसान की हत्या की जाती है और उसके बाद उसकी हत्या पर रोटियां भी सेकी जाती हैं। कभी लालू के बोल बीफ पर बिगड़ जाते हैं तो कभी खां साहब खामुखा खफा हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसी की आस्था के साथ ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है, क्यों बीफ पर है तनाव, क्या बिहार में है चुनाव। बीफ पर इतना बवाल है तो दिमाग में ये बात भी आती है कि ये सारा बवाल कहीं बिहार चुनाव को लेकर तो नहीं है, क्योंकि लालू ने पहले कहा था कि सारे हिंदू बीफ खाते हैं और उसके बाद लालू अपने बयान से पलट गए और फिर लालू मीडिया पर भड़कते हुए बोले कि वो शैतान ने उनसे बात कहलवाई थी। लालू के बयान को बिहार की सियासत की नजरों से देखा गया और उनकी आलोचना भी हुई। लालू जी इतनी बड़ी गाली ना दे वोट के लिए, इस तरह से समाज को ना बांटे वोट के लिए, क्योंकि समाज एक रहेगा, समरस रहेगा, तभी कुछ होगा, वोट आएगा और जाएगा। लालू जी गौ पालक कभी गौ का मांस नहीं खाते। लालू जी पूरे दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो गौ को माता कहता है। वहीं सुशील कुमार मोदी ने भी बिहार में बीजेपी पार्टी की सरकार आने पर गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी। साथ ही सपा नेता आजम खां भी इस पर भड़काऊ भाषण दे चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसी की आस्था को चुनावी मैदान क्यों बनाया जा रहा है। अगर किसी धर्म विशेष की आस्था गौ माता में है तो सरकार को गौहत्या बैन कर देनी चाहिए, और ये बात योग गुरु रामदेव ने भी कही है। मैं तो आदरणीय मोदी जी से एक ये भी अपेक्षा करता हूं कि जब उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में आदरणीय
मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो मोदी जी राष्ट्र में भी पूरे देश में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं, वो लगाएंगे। और ये गाय के ऊपर जो घटिया राजनीति है, इसके ऊपर विराम लग जाएगा। उम्मीद है पीएम इस मुद्दे पर जल्द ही बोलेंगे और गौमाता पर ये सियासी चश्मा उतार कर अब लोग जल्द ही सियासत न करते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो फिलहाल ये थी रिपोर्ट जिसमें अलग अलग नेताओं ने क्या कहा बीफ पर बैन के मामले को लेकर के। हालांकि राजनीति इतनी तेज़ हो गई है, इतनी करारी हो गई है कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। और फिलहाल हम चलेंगे बीजेपी नेता हमारे साथ जयप्रकाश जी मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, जिस तरीके का बयान फिलहाल आ रहे हैं, लालू यादव जी ने पहले कहा कि सारे हिंदू बीफ खाते हैं, उसके बाद ये कहा कि कोई शैतान मेरे मुंह से कहलवा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखो, लालू यादव जी का ये जो बयान है ये निंदनीय है जी, क्योंकि लालू यादव जी जो अपने आप को यदुवंशु कहते हैं, जो खुद ये कहते हैं कि हम गोपालक हैं, और कोई भी हिंदू ये कहे कि मैं गौमांस खाता हूँ जी, ये सरासर गलत है। अगर लालू यादव जैसे व्यक्ति ये बात कहे और वो भी वोटों के खातिर, और फिर बाद में अपनी गलती को माने, क्योंकि गाय हमारी माँ है, गाय को हम हमारी धार्मिक आस्था से जोड़ते हैं जी, और हर मंदिर हर कहीं जाएंगे तो किसी भी पूजा के बाद गौ माता की जय हो, ये हमारे पंडित जी वहाँ के जो भी है विद्वान हो जरूर बोलते हैं। और मैं एक और गौ माता से एक और आपको बात बताऊं, आजकल हमारे श्राद्ध चल रहे हैं, इन श्राद्धों में हिंदू सुबह अपने पितरों को जी, उनका तर्पण करने के लिए रोज सुबह गौ माता को ढूंढता है जी, कि मेरे पितरों का तर्पण हो सके, और गौ माता को गौ ग्रास निकाल करके गौ माता को भोजन कराता है जी, जी। तो गाय तो हमारे लिए पूजनीय है, गाय का गोबर हमारे काम आता है, गाय का पेशाब हमारे काम आता है, गाय को हमेशा हमने माँ माना है, गाय हमारी धार्मिक आस्था से हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारी ये जो भारत देश का पुराना इतिहास रहा है इसकी संस्कृति। चलिए, हमारे साथ पत्रकार अंजुम जाफरी साहब जुड़ गए हैं हमारे स्टूडियो में, स्वागत है आपका। और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का बवाल फिलहाल पूरे देश में मचा हुआ है बीफ बैन को लेकर के, और कहीं ना कहीं अलग अलग बयान आ रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, और सवाल ये उठ रहे हैं कि राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, आपका कहना मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, राजनीति तो इसमें हो रही है, क्योंकि जहाँ तक सवाल बीफ के खाने का है तो आई थिंक मुस्लिम्स में भी ऑलमोस्ट बीफ को यहाँ हिंदुस्तान में नहीं खाते हैं जी। एक ज़माना था कि जब सब तरह के मांस को खाया जाता था, और मुस्लिम्स में अलावा एक जानवर को छोड़ के बाकी सभी जानवरों का जो गोश्त है जी, वो हराम करार दिया गया है जी, जी सॉरी हलाल करार दिया गया, सिर्फ एक जानवर का गोश्त हराम है जी। गाय, हालांकि उसमें कोई नाम नहीं दिया गया, उसमें स्पेसिफिक मतलब किसी एक का नाम नहीं है जी। लेकिन गाय का जहां तक ताल्लुक है, इसका हिंदुस्तान के रहने वालों में जहां एक बड़ी संख्या में हिंदू मत या हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं जी, पूजनीय स्थान है जी। हमारे यहाँ इस्लाम में भी ये कहा गया है कि अगर किसी की आस्था को ठेस पहुँचती हो, किसी को नुकसान पहुँचता हो, या किसी के मजहब की बेइज्जती हो रही हो, उस काम को ना किया जाए जी। जी, यानी कि अगर ये आस्था का सवाल है और किसी भी देश में कोई भी कम्युनिटी की, किसी भी कम्युनिटी की आस्था को अगर किसी बात से झटका लगता है तो वो नहीं होना चाहिए, यही कहना है आपका? जी, जी। चलिए, फिलहाल बीफ पर बवाल में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। वॉच योर फेवरेट A to Z न्यूज चैनल जस्ट अ क्लिक अवे, लॉग ऑन टू www.a2znewschannel.com। Oh,
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बीफ पर बवाल पर चर्चा जारी है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता जयप्रकाश, पत्रकार अंजुम जाफरी और अभी अभी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं विनोद शर्मा जो कि हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं। और हमारे संवाददाता मुन्ना राय ने बात की साक्षी महाराज से, उनका क्या कहना है आइए देखते हैं। हमारे साथ साक्षी महाराज हैं और इनसे हम बात करते हैं। सर, आजम खान बहुत कुछ बोल रहे हैं। आजम खान की सरकार उत्तर प्रदेश में, आजम खान बहुत बड़े नेता हैं, वो तो पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान को धमकी भी देने लगे हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र में चले जाएंगे। लेकिन मैं इतना बार कहना चाहता हूँ, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। हम अपनी माँ का अपमान सहन नहीं कर सकते, हम भारत माता का अपमान सहन नहीं कर सकते, हम गाय माता का भी अपमान नहीं सहन कर सकते। और मैं उन मुसलमान भाइयों का हृदय से बहुत धन्यवाद करूँगा जो गोपालक हैं, जिन्होंने गोहत्या प्रतिबंध लगाने की बात कही है। तो ये आस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। मैं अगर कोई कुरान की निंदा करता है या इस्लाम के लिए कुछ करता है तो वो उनकी आस्था के खिलाफ नहीं करना चाहिए, वो बेवकूफ़ी वाला काम है। ऐसे ही हमारी आस्था का प्रश्न है। गाय हमारी माता है, भारत हमारी माता है, तो हमारी माता के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, जुल्म करेगा, उसे हम सहन नहीं कर सकते। सर, ओबीसी से लेकर हर आदमी वहाँ राजनीति करने दादरी पहुँच रहा है, क्या कहेंगे आप? अब ये तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा कुछ भूमिका अदा करनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्य है कि लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। ओबीसी का दादरी से क्या लेना देना है? केजरीवाल का दादरी से क्या लेना देना है? राहुल से अपनी पार्टी नहीं संभल रही, उसका दादरी से क्या लेना देना है? लेकिन ये सबके सब लाशों पर राजनीति करने के लिए दादरी जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए और कम से कम लाशों पर राजनीति करना बंद करना चाहिए। आजम खान यूनो जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब आजम खान पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है पाकिस्तान से उनकी साठगांठ है। जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है वो यही बोल रहे हैं। सर, गौ हत्या पर पाबंदी की मांग करेंगे और कुछ है? बिल्कुल, गौ हत्या प्रतिबंधित होनी चाहिए, गाय राष्ट्र पशु घोषित होना चाहिए। और गाय हत्या ही नहीं, हम तो गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाने के हिमायती हैं। और अभी एक रिपोर्ट आई है भारत सरकार की, मनमोहन सिंह के ज़माने की, कि भारत आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान में 1,21,00,000 गायें थी और अभी 2012 की रिपोर्ट आई उसमें केवल 10,00,000 गायें रह गईं। तो 1,21,00,000 गायें कहाँ चली गई और पैदा हुए से कहाँ चले गए? तो ये राष्ट्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ हमारे मोदी जी श्वेत क्रांति की बात करते हैं और श्वेत क्रांति चीनी और दूध से ही आएगी और ये तो देश ऐसा है जहाँ कभी गाय दूध की और घी की दही की नदियां बहा करती थी और आज गाय देखने के लिए नहीं मिल रही। दुर्भाग्य की बात है, लोग गाय काट के खाएंगे, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये थे साक्षी महाराज जिनका कहना था कि गाय काट कर कोई खाए और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि एक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कैमरामैन दिनेश के साथ मुन्ना राय, A to Z न्यूज। और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता अनिश दुर्रानी। दुर्रानी साहब, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। जी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के बयान बीफ पर बैन को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस का बैन के बारे में कांग्रेस की राय बहुत क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी जब नहीं हुआ था 1965 के अंदर, जब कांग्रेस ने जी राज्यों में से 25 राज्यों में बंद है, बैन कर दिया था, लीगली बैन हो गया है जी। तो कांग्रेस का इसमें जो वो है, जो कांग्रेस का स्टैंड है बहुत क्लियर है इसके अंदर। ये तो वो जवाब है जो अपने आपको ढोंगी बाबा कहे हुए हैं और अपने आप को गौरक्षक कहते हैं कि मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान जो है वो मीट इसमें बड़े मीट एक्सपोर्ट के अंदर जो था वो 6 नंबर पर था और अब जब से मोदी जी आए हैं और इन्होंने पिंक रेवोल्यूशन, इलेक्शन में कहते थे ये कि मैं देश में पिंक रेवोल्यूशन लाऊंगा। पिंक रेवोल्यूशन क्या? कि गऊ ये नीट जो है इसको एक्सपोर्ट में कॉपी करूंगा। और इसमें बाकी कोई शक नहीं कि उन्होंने आज हिंदुस्तान को नंबर वन बना दिया है जी। पहले नंबर ब्राजील का नंबर था पहले, आज हिंदुस्तान सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। तो ये इनकी करनी और कथनी के अंदर जो इतना अंतर है इसके उसके नतीजे में तो ये सब चीजें पैदा हो रही हैं। अच्छा, एक बात और है दुर्रानी साहब, के अभी हमारे साथ साक्षी महाराज जो कि बीजेपी के सांसद हैं वो जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि ओबीसी, केजरीवाल और राहुल गांधी तीनों का ही दादरी की इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद ये लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं।
लाशें तो आप बिछा रहे हो, राजनीति ये लोग कर रहे हैं, कांग्रेस राजनीति करती नहीं है, लेकिन ये कि आप जो ऐसे अवसर क्यों दे रहे हो देश की, आपको क्या इस चीज का राइट है कि आप किसी आदमी को घर में घुस के हत्या कर दो बिना ये सिर्फ आरोप के बेस के ऊपर कि इसने गऊ का गोश्त खा लिया? ये कोई डेमोक्रेसी है? ये तानाशाही चल रही है जी। और जो जो देश तानाशाही को अपनाते हैं देश कायम रह नहीं पाते आजकल। अच्छा, इस घटना के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए? ऐसा राज्य सरकार भी जिम्मेदार, मुलायम सिंह भी जिम्मेदार है, अपने समाजवादी पार्टी की सरकार भी जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहे, आप भी अब हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़े हुए हैं, हिंदू सेना के अध्यक्ष। विनोद जी, जिस तरीके से अनीश दुर्रानी साहब कह रहे हैं कि पहले से बैन था और बाद में जब मोदी जी की सरकार आई तो उसके बाद नंबर वन बन गया मांस निर्यात में भारत, कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में अलग अलग तरीके की बातें निकल करके आ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं इस बात को तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन कुछ हद तक ये भी हो रहा है कि जो काम पहले छुपे छुपे होते थे जी, वो उजागर होने लग गए हैं। शायद इसीलिए लोगों को ज्यादा पता लगने लगा है, क्योंकि आजकल का युवा जागरूक होता जा रहा है, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू जी। इस वजह से जो काम पहले छुपके होते थे वो आज उजागर हो गए हैं, इसीलिए उसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। और शायद ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो है ऐसे ही करते रहेंगे। और आज ये यादव जो है, यूं वैसे तो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं, और यही जब गाय काटने के लिए लोगों को बोलेंगे तो मैं तो इस देश की जनता का और अपने हिंदू भाइयों का खासकर विरोध करूंगा कि उन्होंने अगर इन पार्टियों को जितवा दिया इन चुनाव में, तो कल को ये आज हमारी गाय माता, जिसको हम गाय माता मानते हैं, उसे कटवा रहे हैं, कल ये तुम्हारी माताओं को भी कटवाएंगे। तो इसका इनको जवाब जो है चुनाव में हरा कर दे जी। और ये जिस खिलाफ से गाय के प्रति अपनी जवान से लफ्ज निकाल कर कहते हैं शैतान बैठ गया, अगर शैतान बैठ गया तो अपनी माँ को अपनी बीवी बोल के दिखाएं, उस दिन मैं मानूंगा जिस दिन इनके जवानों पे शैतान बैठ रहे हैं। चलिए विनोद जी, अभी बीजेपी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने इस मामले में क्या कहा, आइए वो आपको दिखाते हैं। जिस प्रकार की राजनीति और जिस प्रकार के बयान उत्तर प्रदेश के मंत्री और उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से आ रहे हैं, बहुत ही निंदनीय भी है और खेदजनक भी है। बीफ एक ऐसा मामला है कि 2000 से बैन है, कोई आज नई बात तो है नहीं। एक घटना हुई दादरी में, एक दुखद घटना हुई, जिस प्रकार से लेके राजनीति उसको लेके हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। लगता है बिहार एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि बिहार चुनाव है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा इन लोगों से, अगर कोई हिंदू मरा होता क्या इस तरह की बातें, इस तरह का 45 लाख रुपया देना, 45 लाख का मुआवजा देना, इस तरह की तमाम जो बयान आ रहे हैं, वो क्या एक हिंदू के मरने पर आए होते? ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, सांप्रदायिकता फैलाने की बात हो रही है। मैं आजम खान से एक बात पूछना चाहूँगा, अगर आपको हिंदुस्तान के अंदर विश्वास नहीं है तो करिए, अपनी सरकार को बोलिए कि राष्ट्रपति शासन लगाइए और जाइए यूएन के अंदर। 150 से ऊपर दंगे हुए हैं श्री अखिलेश यादव जी के राज के अंदर, कितने लोगों को उन्होंने इतना मुआवजा दिया है, कितने लोगों को उन्होंने इस तरह से बुला के उन्होंने सहानुभूति प्रकट करी है, हेलीकॉप्टर भेजा गया। देखिए जिस प्रकार की राजनीति वो कर रहे हैं, मेरा फिर वही कहना है कि अगर कोई हिंदू मरा होता क्या इस तरह की वो बात करते, क्या इस तरह के वो हेलीकॉप्टर और तमाम सुविधाएं भेज के वो इस तरह के 45 लाख रुपया मुआवजा देते? सवाल इस चीज़ का है कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग को, एक विशेष वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, ताकि एक बिहार इलेक्शन के अंदर, उसके बाद जो यूपी के अंदर इलेक्शन आने वाले अगले साल, वो वोट हमारे को मिल जाए, ये राजनीति हो रही है। चलिए, राजनीति आखिर कर कौन रहा है जेपी साहब? देखो, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर लोगों ने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति की जी। ये देश जिसको हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, जहां हम सब लोग मिलकर रह सकते हैं, लेकिन वहां हमारे को एक दूसरे की आस्था का ध्यान रखना पड़ेगा। हमने आस्थाओं का ध्यान रखा नहीं, सिर्फ वोट बैंक के लिए, किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए, किसी एक समाज को खुश करने के लिए, किसी एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए हम कोई भी निर्णय ले लेते हैं। कभी हम चुनाव की बात करते हैं, इस देश में 5 साल के अंदर हर वर्ष चुनाव आते हैं, किसी ना किसी राज्य में चुनाव आते हैं, तो क्या ऐसी घटनाएं को हम चुनाव से जोड़ते रहेंगे? हम सब का काम है कि राजनीति से परे हटे और अच्छे निर्णय लें और जो इस देश का जो बड़ा समाज है, जो अधिक संख्या वर्ग है, उसकी आस्थाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे
बहुसंख्यक लोग हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उनका भी आस्था का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जाने अनजाने में कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उसका राजनीतिक नाकरण करके उसकी उस वो समस्या है उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। और अगर हम एक एक घटना घट गई और हम उसमें 45 लाख रुपये मुआवजा देते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर रोज हत्याएं हो रही है, रोज अपहरण हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ दुर्घटना हो रही है, आप किस किस को 45 लाख रुपए दोगे? आप उदाहरण क्या पेश करना चाह रहे हैं? अभी कांग्रेस के व्यक्ति हमारे जी कह रहे थे कि मोदी जी के राज के अंदर, अरे मोदी जी तो विकास का मॉडल लेके जा रहे हैं। आज भारत को विश्व की तीसरी शक्ति मोदी सरकार ने बनाई है। आज आप देख रहे हो अभी भी हमारे देश के अंदर यहाँ बैठी हुई है और रोज नए नए समझौते हो रहे हैं इस देश को विकास की ओर। अनिल दुर्रानी जी सुन रहे हैं आप? की सरकार है जो मोदी जी की सरकार ने अनिल दुर्रानी जी में आकर सिर्फ क्योंकि कांग्रेस के बाद तुष्टिकरण के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। आप ऐसी बात कैसे कह देंगे? जी जी बताइए। अरे मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है? आपने देश के अंदर गड्ढे पैदा कर दिए, हम गड्ढों को हम भर रहे हैं, इस देश को नया मॉडल दे रहे हैं। इस देश को हमने कहा सबका साथ सबका विकास, अरे सबको साथ लेके जाएंगे सभी का सबका विकास होगा। आप कह रहे नहीं कि कोई घटना घट गई इसके ऊपर हम राजनीति करें, कोई घटना घटी उसके ऊपर हम गलत कोई भी आंकड़े पेश करके ये मोदी की सरकार में हो रहा है। आप जो कुछ हुआ है, जो इस देश में जितनी भी गलत चीजें हैं वो सब कांग्रेस ने की, सबसे ज्यादा राज आपने किया, तुष्टिकरण आपने की, इस देश के समाज को आपने बांटा, जातिवादी के रूप में आपने बांटा, धर्म के बीच में बंटवारा सब आपने किया। तो कांग्रेस ही तो देश आजादी के बाद से लेकर आज तक क्या कर रही है? कांग्रेस ही कर रही है। फिर आप अपना बचाव कर दो। जो व्यक्ति इस देश को आगे लेके जाना चाहता है, इस देश का विकास करना चाहता है, देश का हर वर्ग आगे बढ़े, चाहे मजदूर वर्ग है चाहे किसान वर्ग है, सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, साथ साथ चलेंगे, जब भी देश आगे कर सकते हैं राजनीति। चलिए जेपी जी, मैं दुर्रानी जी से एक सवाल करना चाहूँ। दुर्रानी जी, इसमें बीजेपी की सरकार यानी केंद्र सरकार का सवाल कहाँ से आ जाता है, जबकि मुद्दा राज्य सरकार का है और कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की होती है। देखिए ऐसा है जी, इसकी लाल स्टेट की है, लेकिन भारत के अंदर जो वातावरण बना है जिसमें लोग तरह तरह के कभी घर वापसी की बात करते हैं, कभी कोई साधु कहता है कि हम एक के बदले में 10 लड़कियां उठा के ले जाएंगे, बड़े ये दुर्भाग्य की बात है। ये वो वातावरण जो यानी कि एक उठा लेने के बाद लेने दी जानी चाहिए, जो उसी का करता है, उसी का करती है, ये सारा मजहब नहीं देता है जी, हर मजहब करता है, हर मजहब नहीं। आजम खान चलिए जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुर्रानी साहब, आप हमारे साथ जुड़े। अंजुम जाफरी जी, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, आप पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं आप पूरी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं और एक तरीके से एक उसको बैलेंस्ड करके तो कहीं ना कहीं देखते ही होंगे, आप क्या कहेंगे? पूरा मामला इस तरीके से आ रहा है कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, जैसे हमारी शुरू में बात हुई थी कि ये एक सियासत है जी, और सियासत में बहुत कुछ किया जा रहा है, इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि गाय का एहतराम करना हम पर फ़र्ज है जी, ये हमारा मजहब कहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना, जैसा साक्षी महाराज अभी कह रहे थे कि उन्होंने एक तादाद बताई कि इतने करोड़ थी और अब इतने रह गई हैं, तो इसका मुख्य कारण मुसलमानों का खाया जाना नहीं है कि मुसलमान गाय को खा रहा है जी। मैं खुद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, दिल्ली का रहने वाला हूं, मेरी पैदाइश दिल्ली की है, मैंने कभी गाय के गोश्त को हाथ नहीं लगाया, मैंने कहीं बिकते हुए नहीं देखा, कहीं लाते हुए नहीं देखा। मेरा जो बैकग्राउंड है वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से है, जो बहुत चर्चाओं में रहा है, हमने कभी मुजफ्फरनगर में इस चीज को नहीं देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, अंजुम जाफरी जी की बात जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब मेरी सुन लीजिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पर गाय के गोश्त को भेजा जा रहा है दूसरे देशों में, आप इस पर पाबंदी लगाने की मांग कीजिए ना जी। जयप्रकाश जी, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत से गौ मांस का निर्यात हो रहा है। अंजुम जाफरी पत्रकार हैं, इनका कहना है, आप क्या कहेंगे? सरकार रोक लगाएगी? बिल्कुल, सरकार इस बारे में विचार करेगी। और हम तो हमेशा कहते हैं, हमारे जितने राज्य हैं, अभी बिहार में चुनाव हुए, इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में हमने कहा कि वहां पर हमने बैन लगाया, और आपको पता होगा कि गो हत्या आंदोलन शुरू करने वाले कोई नहीं थे, हमारे लोग थे, जनसंघ के जमाने में गो हत्या आंदोलन हमने शुरू किया था। चलिए, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने क्या कहा, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। बवाल नफरत का है, ये जिस तरीके से संघ परिवार के संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई समय से काम कर रहे हैं,
एक सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का और उनको जिंदा रखने का एक काम चलता चला आ रहा है, और उसमें अभी बीफ के बारे में कुछ अफवाहें मिली तो उसको लेकर हल्ला हुआ। बात बीफ की या बात उसकी नहीं होती है, बात सिर्फ एक द्वेष और नफरत फैलाने की, क्योंकि अगर सही में बीफ की बात होती तो हम भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में गौ रक्षा के बारे में, गायों के संरक्षण के बारे में जो तमाम कार्यक्रम है वो बेहतर चलते हुए देखते हैं। वो कहीं नहीं, ना कहीं मध्य प्रदेश में बेहतर है, ना छत्तीसगढ़ में बेहतर है, ना गुजरात में इन्होंने कोई ऐसे काम दिखाए हैं जिसमें गौ रक्षा के ऊपर ये कुछ ऐसा काम करें जो देश के लिए एक तारीख बने, उदाहरण बने। तो गाय से, गाय रक्षा से, गाय की संबंधित किसी चीज़ की बात की भावना करनी है, बात है कि कोई ऐसा मौका मिल जाए जिसको भड़का के हम आगे चलें। अब मैं आप लोगों से संक्षेप में जानना चाहूँगा, आप बताएं कि आखिर इसका इलाज क्या है अंजुम जाफरी जी, संक्षेप में, बहुत कम समय है हमारे पास। एक दूसरे को हम बर्दाश्त करें बस जी। और विनोद जी क्या कहेंगे? गाय के ऊपर किसी प्रकार का गौ हत्या ये कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी की आस्था से जो खेलेगा वो धर्म उसका बिल्कुल भी समर्थक नहीं है, उसका विद्रोह करेगा, अपनी जान दे भी सकता है और दूसरे की ले भी सकता है। आस्था से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है और हम आस्था के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। चलिए, आस्था के साथ कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं है। बीजेपी नेता जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी, संक्षेप में आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर से इस समस्या का हल क्या है? देखिए, गाय काटना गैर कानूनी है। हमारे कानून के अंदर है कि गाय के ऊपर आप हाथ लगाओगे, उसको काटोगे तो आप कानून का विरोध कर रहे हो। जितनी भी राज्य सरकारें हैं जहाँ पर गाय के गोमांस के ऊपर बैन लगा हुआ है, उनसे भी राज्य सरकार को इसमें चिंतित तरीके से काम करना चाहिए। और कहीं भी अवैध गोवध हो रहा है उसको रोकें, जो लोग गोवध कर रहे हैं उनको उचित दंड दिया जाए। जब एक जगह उचित दंड दिया जाएगा, चलिए उसका मैसेज जाएगा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, चिन्हित करना पड़ेगा। बीजेपी नेता जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े, सजा मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बीप पर बवाल में। और विनोद शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अंजुम जाफरी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, आप बने रहिए ए टू जेड न्यूज़ के साथ। नमस्कार।